पूर्व सांसद स्वर्गीय नरसिंह नारायण पांडे की प्रथम पुण्यतिथि पर जिला एवं नगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को चारूचंद्रपुरी स्थित कार्यालय पर श्रद्धांजलि देकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत पूर्व सांसद के क्रांतिकारी जीवन को याद करते हुए उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा में जिला अध्यक्ष राकेश यादव, महानगर अध्यक्ष अरुण अग्रेरी, तलत अजीज, महिला अध्यक्ष प्रेमलता चतुर्वेदी, स्नेहलता गोल्डी सिंह, पीसीसी सदस्य महेंद्र मोहन तिवारी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष इंजीनियर अभिजीत पाठक सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव और रोहित पांडे ने कहा, ये स्वर्गीय श्री नरसिंह नारायण पांडे जी जो गोरखपुर से सांसद रहे एवं राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्य भी रहे, उनकी पहली पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। किस तरह के विचारधारा के थे व्यक्तित्व उनका? वो एक पूरी तरह से कांग्रेसी विचारधारा के थे, बहुत साधारण सरल एवं सज्जन व्यक्तित्व था उनका। वो गोरखपुर से 1971 में महंत अवैधनाथ को हरा करके सांसद हुए, राज्यसभा में भी उन्होंने इस एरिया का प्रतिनिधित्व किया। स्वर्गीय नरसिंह नारायण पांडे और बाबूजी सकारात्मक राजनीति के पुरोधा थे। तमाम बड़े बड़े पदों पर रहते हुए भी किस तरीके से छोटे कार्यकर्ताओं को सुलभ तरीके से मिलना और उनसे सुलभ तरीके से उनसे बात करना, उनको समझाना कि कांग्रेस किस तरीके से राजनीति करती है, किस तरीके से राजनीति करके हम सत्ता हासिल करते हैं, कैसे जनता के अनुरूप हमें काम करना चाहिए, किस तरीके से देश हित में हमें काम करना चाहिए, बाबूजी लगातार समझाते रहते थे और बहुत हद तक हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पर लगातार चले हैं। और आज हम लोगों ने संकल्प लिया है उनके पुण्यतिथि प्रथम पुण्यतिथि पर कि जिस तरीके से एकजुट होकर आज NSY महिला संगठन, सेवा दल, महानगर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, तमाम विचार प्रकोष्ठ के लोगों ने आज एकजुटता दिखा के हमने आज श्रद्धांजलि जो है सभा की है, तो हम लोग इसी तरह एकजुट होकर आने वाले समय में एक तरीके से एकमत होकर कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाएंगे। यही हम बाबूजी को हम सत्य श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।